गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बताया, जिसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 49% और राहुल गांधी की लोकप्रियता 22% बताया गया है। यह गोदी मीडिया सिर्फ बीजेपी की दलाली ही करती है और बीजेपी का ही गुणगान गाती है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंजर नहीं दिख रहा है, फिर कैसे समझे इसे? देखिए अंजना जी, आपके शीर्षक में ही था कि अति कॉन्फिडेंस, तो अति आत्मविश्वास जो था कि अब की बार 400 पार, उसका तो जनता ने हवा निकाल दिया, 240 पर अटका दिया। और अभी हमारे बीजेपी के भाई प्रवक्ता, एक कहावत है कि नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। मुल्ला ले आएंगे भाई साहब, पूछे ना भाई, तो मुल्ला तो ओरिजिनल मुल्ला है, उसमें क्या है? अरे हम पंडित जी हैं, वो ओरिजिनल मुल्ला है, इसमें बोलने में क्या है? मेरी कहावत पर आपत्ति मत करना, पर नहीं सुनिए ना, सोच समझ के कहावत डालना, शहजादा मुनावला से बात हो रही है। हम एकदम मेरी कहावत आएगी तो भागना मत, नहीं भागे, फिर तैयार रहना। अरे रुकिए, फिर तैयार रहना, ठीक है, इधर इधर इधर, फिर बंदूक पिस्तौल मत निकाल देना, मुझे मुझे फिर बंदूक पिस्तौल मत निकाल देना। अपने घर से आए हैं तिवारी जी, इस जिस घर की व्याख्या ये सुना रहे थे, उसी घर से आकर के अभी नए नए बीजेपी पर ज्ञान दे रहे थे। जरा सा ये बता दीजिए कि कमल जब मुरझा रहा है और राहुल गांधी जी के हाथ के साथ देश की जनता की, जनता के हाथ का ताकत आ रहा है, तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अगर ग्राफ बढ़ गया राहुल गांधी जी का, तो ये चिल्ला रहे था, इसे लग रहा था जैसे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जा रहा है। अरे आपको सरकार बनाने का मौका मिला है, लेकिन इस बार वो हालत नहीं है जो पिछले 2014 में और 19 में था। इस बार आदरणीय मोदी जी सदन में हो बीजेपी का या सदन के बाहर हो, ये घबराहट बेचैनी दिख रही है कि किसी पर आप निर्भर हैं, बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। और आपको तो कम से कम बलात्कारियों पर, रेप पर, देखिए हमारा बलात्कारी, उसका बलात्कारी, इसका ये हम नहीं चाहते हैं, कोई हो उसको फांसी मिले ये हम कहते हैं। लेकिन बीजेपी वाले जब बंगाल में होता है बलात्कार, तो उसमें बड़ा गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं, लेकिन जब कर्नाटका में होता है, जो रेवन्ना रेपन्ना बन करके, उस समय कोई बीजेपी के लोग आवाज नहीं निकालेंगे। मणिपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अरे सुनिए ना भाई, सरकार हमारी है और सरकार आपकी है, हम क्या कर रहे हैं? ये सरकार हमारी, सरकार आपकी, आप करते हम नहीं करते। हमने पहले भी कर्नाटका में भी बलात्कारी हो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और आप अभी क्या बात रहे थे, अभी आप जान बांट रहे थे, ये ममता दीदी और वो ममता दीदी, कह रहे हैं कि आत्मविश्वास घट गया है पहले से, और बहुत क्या क्या बोला आपने, डरे सहमे। हमने के अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। अच्छा, गड़बड़ाया हुआ है, अति आत्मविश्वास का हवा जनता ने निकाल दिया। अब जवाब दीजिए गांधी, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, किसी को अर्श पर पहुंचाती है, कभी किसी को फर्श पर पहुंचा देती है। जो इनको छोड़ के गए उन्हीं के भरोसे अब इनकी सरकार चल रही है। नीतीश बाबू, क्या चल रहा है पूरे विश्व में, क्या चल रहा है कि मोदी जी वहां यूक्रेन पहुंचे और रशिया ने सीज फायर कर दिया 8 घंटे के लिए? ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मोदी जी विश्व पटल पे जब जाते हैं समझौता कराने, तो 8 घंटे एक कंट्री बकायदा सीज फायर करता है। कैसे विश्वास घट जाएगा? प्री पोल अलायंस में जीते हम, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, आत्मविश्वास घट गया। और माफ करना अंजना जी, 140-143 करोड़ की जनता है आपका।